तस्वीर यही फिरते हैं, देखी है कब से तस्वीर से, कब से बदल गई है तकदीर मेरी, कब से बदल गई है तकदीर मेरी, बोलिया बारे सावरिया प्यारे, बोलिया बारे सावरिया प्यारे, तो हो जा मेहरबान बोलिया बारे, जुदाई का सह नहीं सकता, जुदाई का सह नहीं सकता, बोलिया बारे सावरिया प्यारे, सावरिया प्यारे बोलिया बारे रे, ओ मेरे दिल की तो दुनिया बोलिया बारे, मुझे कुछ भी कहे पागल हुआ तेरा दीवाना, पागल हुआ तेरा दीवाना, प्यारे आरती को रेडी कर।
की है आरती, बाकियों को बाप से है तारती। आरती है आरती, बाकियों को बाप से है तारती। आरती भगवान की है आरती, बाकियों बाप से है तारती। ओ मेरी बाकी बिहार की दुनिया क्या जाने, मेरे बाकी बिहार की दुनिया क्या जाने, ओ मेरी बाकी बिहार की दुनिया क्या जाने, मेरे बाकी बिहार की दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मेरी बातें बिहार से भी दुनिया 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 क्या जाने। जब से छबी देखी जब से आई बाबरी ने तो कब से श्री राम जी जन जान नहीं,
भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि अभिवादन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि अभिवादन करता हूँ। उसके उपरांत मठ के समस्त ब्रह्मचारीगण एवं बड़ौत के समस्त वैष्णव वैष्णवी भक्तगण इन सबके चरण कमलों में अनंत कोटि अभिवादन है। आज हमारा परम सौभाग्य का दिन है जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना श्री गुरुदेव की कृपा से आज बड़ौत में हो रहा है। आज प्रथम दिवस है, जहाँ तक भी आवाज जा रही है कृपा करके
आप जल्दी करके यहाँ पर आ जाइए कथास्थल में, क्योंकि कथा प्रारंभ होने जा रही है। और आज इसलिए सौभाग्य का दिन है क्योंकि कल कार्तिक पूर्णिमा थी और गुरुदेव जो है हमारे बड़ौत में प्रकट हो गए हैं। जिस प्रकार से अब पूर्णिमा गई और वो चंद्र जो धीरे धीरे घटेगा, लेकिन भगवान और गुरुदेव की कृपा से हमारे यहाँ चंद्र घटेगा नहीं, यहाँ निरंतर बढ़ेगा, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव साक्षात चंद्र स्वरूप है। क्योंकि हम गुरुवास्तक में पढ़ते हैं साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, अर्थात समस्त शास्त्र कह रहे हैं कि सद्गुरु और श्री हरि में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर कृष्ण चंद्र ही प्रकट हुए, तो वह चंद्र हमारे साथ यहाँ पर अभी 7-8 दिन रहेगा। इसलिए श्री गुरुदेव जी के लिए जोरदार तालियां, हरि बोल। श्रीमद् भागवत कथा क्यों हमें पुनः पुनः सुननी चाहिए? भागवतम में स्पष्ट रूप से बताया, जल रहे हैं और यहां से इनका कोई निस्तार होने का कोई रास्ता प्रशस्त नहीं है, ये लोग कष्ट भोग कर रहे हैं। तो भगवान क्योंकि कृपालु दयालु है, जब हम सब जीवों ने भोग की इच्छा की तो भगवान ने ये सृष्टि करके संसार बना दिया, लोग खूब भोग करो। क्योंकि हमने देखा कि भगवान तो जो भोक्ता राम है निरंतर, इसी प्रकार से हम भी भोग क्यों ना करें। तो भगवान हमारी अभिलाषा जानकर संसार को प्रकट कर दिया और उसमें कहा खूब भोग करो, लेकिन क्योंकि भगवान एकमात्र भोक्ता राम है, वो भोग कर सकते हैं। हम लोग यदि भोग करेंगे तो भोग हमें भोग लेंगे, क्योंकि हमारी जो क्षमता है वो बड़ी क्षुद्र है। जीवात्मा जो अणु है उसको बताया गीता में बाल के अगर भाग के 10,000वां हिस्सा, इतना सूक्ष्म ये आत्मा है और ये क्या भोगेगा। और वो विभु है, विभु मतलब अनंत, उससे बढ़कर कुछ नहीं, वो भगवान विभु है और हम अणु है, तो बराबरी नहीं कर सकता। तो भगवान ने जब ये देखा इस संसार में ये भोग करने के लिए आए जीव, भोग तो क्या भोगेंगे, यहाँ दुख को ही भोग कर रहे हैं, अर्थात अपना दुख और कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, इससे इनका छुटकारा हो। तो क्योंकि उनके जो गुण अवतार हैं वो ब्रह्मा जी और शंकर जी, और इतने चक्कर लगाने पर भी उनकी कुछ समझ में नहीं आया, तब भगवान ने कहा तप, तप मतलब तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान करते हुए तपस्या की, और जब तपस्या की भगवान ने प्रसन्न होके सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत को 4 श्लोकों में प्रकट कर दिया, उसे चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम कहते हैं, जो ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम श्री नारायण ने सुनाए। अब ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत को अंगीकार किया और वह श्रीमद् भागवत को अपने मानसी पुत्र श्री नारद जी को पुनः सुना दिया, उनको अच्छे से आनंद पूर्ण उसको समझाते हुए सुना दिया। अब तो नारद जी जहां भी जाते चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत को गुनगुनाते हुए गाते हुए निरंतर इधर से उधर भ्रमण करते पूरे संसार वर्ष में। उनके शिष्य श्री वेद व्यास जी ने सबसे पहले उपनिषद, फिर 17 पुराण, श्रीमद् भागवत, उसमें गीता इत्यादि सब कुछ लिख दिया, लेकिन संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। हृदय उनका हमेशा उनको कुचोटता रहता था कि अभी भी इसके अंदर पूर्ण आनंद का समावेश नहीं है। तो उन्होंने यह सोचा, मैंने इतना सब कुछ लिख दिया लेकिन जब मेरे हृदय में शांति नहीं है तो इस संसार के जीवों के हृदय में कैसे शांति स्थापित होगी। यह सोचते हुए वो बड़ा चिंतन कर रहे थे सरस्वती नदी के किनारे पर,
जैसे ही ये चिंतन हो रहा था तभी उनके गुरुदेव श्री नारद देव वहां प्रकट हुए। बोलो नारद देव जी की जय। और कहा बस क्या चिंतन कर रहे हो? तब उन्होंने कहा गुरुदेव मैं चिंतन कर रहा हूं, मैंने इतने सारे पुराण इत्यादि लिख दिए और इन पुराणों से ही मुझे शांति नहीं हो रही है, तो जीव मात्र कैसे शांति होगी? तो उन्होंने कहा देखो तुमने सब कुछ लिखा लेकिन वेद भी लिख दिए, वेदों का जो मूल फल है वो पुराणों में कुछ कुछ जगह पर तुमने प्रकाशित तो किया लेकिन पूर्ण फल वो प्रकाशित आपने नहीं किया। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वेदों का जो फल है वह उसको आप हृदय में धारण करें और धारण करके फिर उसको प्रकाशित करें। तो कैसे धारण होगा? तब उन्होंने वो चतुश्लोकी जो श्रीमद् भागवतम है श्री वेद व्यास जी को सुनाई। उसके बाद जब वो श्रीमद् भागवतम को सुना और सुनकर के जो उन्हें आनंद की अनुभूति हुई उसमें वो समाधिस्त हो गए और समाधि में उन्होंने समस्त भगवान के अवतार और पूर्ण अवतारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की उन्होंने सुंदर दर्शन को प्राप्त किया, उनकी लीला को प्राप्त किया, उनके धाम को प्राप्त किया, समस्त लीलाओं का उन्होंने दर्शन अपने हृदय में चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत के कारण उन्होंने प्राप्त किया। यह करके जब उन्होंने इसको जो चार श्लोकी श्रीमद् भागवतम थी उसको 18,000 श्लोकों में हम सब जीवों को सरलतम प्रकार से हम सब उसे समझ सके इसलिए उसको प्रकाशित किया। 18,000 की यह श्रीमद् भागवतम कथा है जिसमें 18,000 श्लोक हैं और इसमें हर प्रकार के लोग चाहे वो सकाम भक्त हो, चाहे निष्काम भक्त हो, चाहे कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, तो निश्चित तौर से वो भक्त हो जाएंगे। लेकिन आज हमारे यहां पर पूरे भारतवर्ष में इसको शुद्ध तरीके से समझाने वालों का बहुत अभाव है। केवल अपना और अपने परिवार वालों का जीवन यापन करने के लिए ही श्रीमद् भागवतम हो रही है, जबकि ये जो भागवतम विषय है भक्ति में आता है। लेकिन निष्काम अर्थात बिना किसी कामना के सहित हम यदि भगवान की प्रीति के लिए जब भजन करते हैं उसे बोलते हैं शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति करने के लिए हमें श्रीमद् भागवत का हमेशा अंगीकार करना चाहिए। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा अर्थात हमेशा इसकी सेवा करो, हमेशा इसका निरंतर पाठ करो, अध्ययन करो और जब भी मौका लगे इसका एक श्लोक नहीं पढ़ सकते, आधा श्लोक नहीं पढ़ सकते, एक शब्द ही यदि पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से हमारे हृदय को इसके अंदर इतनी शक्ति है। किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो इसके लिए हमारे गुरुवर्गों ने हर ग्रंथ की महिमा को प्रकाशित किया, क्योंकि वो जानते हैं कलयुग का जीव इतना ज्यादा लालची है बिना किसी फल प्राप्ति के वो कुछ करेगा नहीं। तो हर ग्रंथ को प्रकाशित करने के साथ साथ उसके महात्म्य का वर्णन किया गया, उसकी महिमा का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत की सुंदर महिमाओं का आज दिन है। सुंदर तो कैसे पात्र में रखना होगा? उस अमृत रस को जो पवित्र पवित्रतम है उसका लिए पात्र भी ऐसा पवित्र होना चाहिए, सोने का पात्र और महापवित्रतम वह पात्र होना चाहिए। तो हमें हृदय जो हमारा करोड़ों करोड़ों जन्मों से करोड़ों करोड़ों युगों से अनंत योनियों में भ्रमित होते हुए हम लोग आए हैं और हर प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि लेकर के विराजमान है, तो वहां पर ये रस प्रकट नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा? हमारे जो हृदय रूपी जो पात्र है उसको शुद्ध करना होगा। और शुद्ध करने पर जिस प्रकार से यदि दूध है, दूध यदि गंदे पात्र में उबाला जाए तो क्या होगा? डालेंगे उबालेंगे तो फट जाएगा, साफ होगा तो दूध पवित्र बना रहे। हमें अपने हृदय को इन सब छह रूपों जो हमने गिनाए अभी आपको काम क्रोध इत्यादि इनको निकालना होगा और निकाल करके इस रस धारा को हृदय में धारण करना होगा। जिस प्रकार से शेरनी का दूध यदि आपने सुना हो तो उसको धारण कर कृष्ण हरे
Namo Mahabhadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuse Nama Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopi Saha Gopika Kanta Sri Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Prisabhayana Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Deppai Priya Ai Kesavasacha Krishna Bhakti Praja Devi Satyavatai Namo Nama Tamadi Devam Karuna Nidhanam Tamalavarnam Sridhavataram Apara Sansara Samudra Setum Vajamahe Bhagavatam Swarubam Jan Pravajantam Anupitam Apita Krityam Dvaipayana Virahaka Tara Ajubhava Putreti Tanmayataya Taravo Vinedum Stam Sarvabhuta Hridayam Munimayana Tvasmi Narayanam Namaskritta Narancaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Sabhi Gaur Hath Thakre Bolo Bala Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Bari Gaur Jor Karke Bolo Bala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You can say it, I Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Blessed be the Bhagavata Katha, Amrita, Mukhi. Sarvapratham. मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग का बहुत बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि हम ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर सबके सब उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर सबके सब उपस्थित हुए हैं। कभी जो श्रीमद् भागवत कथा है कुछ कुछ लोग प्रश्न करते हैं, भैया एक बार सुना तो हो गया, फिर हर साल कथा सुनने का क्या जरूरत है? फिर साल में यहाँ पर एक बार नहीं लगता है, साल में यहाँ पर एक बार मंदिर में भी होती है और एक बार यहाँ पर भी होती है कथा। कभी इसको फिर बारम्बार कथा सुनने का क्या जरूरत है? लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले सदा सेव्याम श्रीमती भागवती कथा जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितंग समाश्रय। वो उदाहरण देते हैं, जैसे आप लोग रोटी खाते हो, कौन कौन रोटी खाते हो हाथ उठा दो। आप बताओ दिन में कितने बार रोटी खाते हो? दो बार ना तीन बार खाते हो? अगर एक बार अगर रोटी नहीं मिले ना
बोले हाय रोटी दिन भर रोटी का मुंह ही नहीं देखा। भैया अगर रोटी में इतना रस हो सकता है फिर क्या भगवान में रस नहीं है? इसलिए हमारे वेद कहता है कृष्ण क्या है, बोले रस बैस रसम जवाया लब्धा नंद भवती। भगवान कृष्ण स्वयं ये रस स्वरूप भगवान कृष्ण है, ये आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण है, ये मधुर स्वरूप भगवान कृष्ण है। इसलिए श्री बल्लभाचार्य एक अष्टक लिखा है जिसका नाम ही मधुराष्टक है। वो मधुराष्टक में वो बोलते हैं कृष्ण का हर चीज मधुर है। देखो क्या कहते हैं, बोले आधरंग माधुरम बादनंग माधुरम गमनंग माधुरम चरितंग माधुरम आधरंग माधुरम बादनंग माधुरम हरनंग माधुरम हसितंग माधुरम मिठाई है। जैसे रसगुल्ला कहते हैं ना, रसगुल्ला कब होता है? जब गोले को रस में डुबा दो क्या होगा, फिर रसगुल्ला होता है। कहते क्या कृष्ण ऐसे ही है, बोले ऐसे नहीं, वो कृष्ण स्वयं ही रस स्वरूप है। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक संतो हुए श्री रूप गोस्वामी, देखो क्या कहते हैं, बोले तुंडे तांडव निमित मित नुते तुंडा बलि लब्धे करना क्रडो कडमिनी घटयते करना बुधेव स्प्रिया चेत प्रांगण संगिनी रचयते सर्वे इंद्रियानाम कृति नो जाने जनित किम अद्भुत कृष्णेति वर्णतो। वो संत कहते हैं कृष्ण नाम इतने मीठा है, जब कानों में प्रवेश करती हैं वो साधक कहते ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आते ही नहीं, और इतने सुंदर कृष्ण का कथा इतना सुंदर कृष्ण का नाम और सुनने के लिए दो ही कान क्यों दिए? बोले करना करोड़ों कड़मनी घटयते, मतलब उनको ऐसे लगता है जैसे करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिया। लेकिन जब कृष्ण को दर्शन करते हैं, जब कृष्ण गोचारण करते हुए कृष्ण जब आते हैं, कृष्ण बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बंसुरी बजाते हैं। अभी बंसी ध्वनि सुनकर के जितने ब्रज की गोपियां, क्योंकि दिन भर कृष्ण दर्शन ही नहीं मिला, सबके सब घर छोड़कर आ जाती हैं और ऐसे घूंघट उठा करके कन्हैया को देखती हैं, और देखते समय आंखों का जो पलक झपकी है ना, देखना पता नहीं पड़ता इतनी जल्दी, लेकिन उतना समय को गोपियां क्या कहती हैं, बोले त्रुटि जुगायते त्वाम अपश्यता उटिल कुंतला कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण हैं, लेकिन उनको देखने के लिए दो ही आंख क्यों ब्रह्मा दे दिए? करोड़ों करोड़ सारा शरीर में आंख ही आंख क्यों नहीं दिए? पर दो ही तो आंख दिए, पर बीच बीच में क्या होता है, ये पलक झपती रहती है, लेकिन पलक जब झपती है पता नहीं चलता है, लेकिन उतना समय को गोपियां कहती हैं कि तो करोड़ युग बीत गया कृष्ण को दर्शन किए बगैर है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि कथा को क्या बनाओ, बोले कथा को अपना जीवन बना दो। जैसे एक दिन रोटी के बगैर जैसे रह ही नहीं सकते हैं,
जब हमें ऐसे लगे एक दिन अगर हम कृष्ण कथा नहीं सुने ना, हमको लगे आज माना हमने कुछ भी नहीं किया, आज हमारी कुछ भी नहीं किया, अगर जब ऐसे लगने लग जाए ना, फिर समझो तुम्हारी भक्ति नहीं है, समझो तुम्हारी भक्ति सही सही भक्ति हो रही है। इसलिए कृष्ण कथा बड़ा मीठी है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते सदा से प्यार हर समय कथा सुनते रहो। देखो शंकर पार्वती क्या करती है बताओ, शंकर पार्वती दिन भर कोई काम ही, इनका कोई काम ही नहीं, केवल कथा कथा ही सुनना काम है। आप लोग रामायण सुने होंगे, जब शंकर पार्वती की शादी हो गई और माता पार्वती कैलाश का बेटी बन करके आई और कठोर तपस्या की, कहां पर बेल वृक्षों के नीचे बैठी करके बिना खाए पिए कठोर तपस्या की, जब शंकर जी प्रसन्न हुए, जब शंकर पार्वती की शादी हो गई, अभी शंकर जी प्रश्न करती है, बोले पार्वती बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुमको क्या चाहिए, अगर शादी को बाद में पति अगर पत्नी से पूछे क्या चाहिए, बताओ तुम लोग क्या बोलोगे, बोले चलो मॉल में ले चलो बढ़िया साड़ी खरीदी करा देना, नहीं तो कहीं हनीमून मनाने के लिए चलो, घूमने के लिए चलते, यही तो बोलोगे ना। लेकिन शंकर जी जब पार्वती को बोले बताओ पार्वती तेरे को क्या चाहिए, पार्वती कहती है प्रभु मेरे को एक चीज ही चाहिए, केवल भगवान की कथा हमें सुनाओ, मेरी अंदर में जो अज्ञान है ये अज्ञान को दूर कर, हम और किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल हमें भगवान की कथा सुनाओ, क्योंकि भगवान की कथा में बड़ा आनंद है, उसमें बड़ा शांति, बड़ी सुकून, बड़ी शांति मिलती है। इसलिए शंकर पार्वती दिन रात ये भागवत कथा क्या है, शंकर तो पार्वती को ही सुनाए ना अमरनाथ में, ये अमर कथा सुनाए, इसलिए भागवत का एक नाम श्री अमर कथा है। इसलिए कहती है कथा को नित्य निरंतर कथा को सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। जैसे घर में एक दिन अगर झाड़ू बुहारी नहीं लगाओ तो बताओ क्या होगा, एक दिन भी अगर झाड़ू बुहारी नहीं लगाओ घर में क्या होगा, धूल जम जाएगी कि नहीं, मैला जम जाएगी नहीं। उसी तरह कहते एक दिन में अगर हम कथा नहीं सुनेंगे ना, हमारे हृदय में मैला जम जाती है। जैसे एक गमला में कोई पौधा लगाए, अगर एक दिन पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, वो मुरझा जाएगी। उसी तरह अगर एक दिन अगर कथा नहीं सुनोगे ना, ये भक्ति रूपी जो लता ये भी मुरझा जाती है। इसलिए ये बड़ौदावासियों का बड़े सौभाग्य दिन है, साल में एक एक बार नहीं, साल में कितना बार कथा होती है, साल में दो दो बार कथा होती है। इसका मतलब है ये बड़ौदावासी बड़े भाग्यवान हैं। कहते जो कथा स्वर्ग में भी नहीं, जो कथा ब्रह्मलोक में भी नहीं, जो कथा शिवलोक में भी नहीं, कहते भैया जी जिस कथा श्री वैकुंठ लोक में नहीं, आज वो कथा कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर हो रही है, ये बड़ौत में हो रही है। देवताओं को कथा सुनने के लिए स्वर्ग छोड़ना पड़ता है, ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए ब्रह्मलोक छोड़ना पड़ता है, शंकर पार्वती को कथा सुनने के लिए कैलाश छोड़ना पड़ता है, गरुड़ और हनुमान जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ छोड़ना पड़ता है। लेकिन बड़ौदावासियों को कथा सुनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ा तुम्हें बताओ, घर बार छोड़ना पड़ा, कोई घर बार छोड़े हो, कभी कथा रूपी गंगा मंदाकिनी ये वृंदावन में से बहते बहते श्री बड़ौदावासियों को घर को सामने आ गई, और हम अपना घर में बैठी बैठी करके ये कथा रूपी अमृत में हम गोता लगा रहे हैं। इसका मतलब है हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। एक बार भागवत का जय कर दो, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय। जयकार लगता है, आज कोई व्रत रखे हो नहीं है ना, आज दोपहर में क्या खाए, छोले भटूरे खाए, आवाज नहीं निकल रहा, जोर से बोलो बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय। अरे श्री पड़ोसियों को बता चलो यह कथा यहाँ पर हो रही है। कहते जो श्रीमद भागवत कथा उसमें भागवत में चार अक्षर है, भा ग ब और त, कहते ये चार अक्षर में ही पूरी ये भागवत समाया हुआ। आज केवल हम ये चार अक्षर क्यों, ये चार अक्षर में ये भागवत कैसे परिपूर्ण रूप में केवल इसी कथा को सुनेंगे, और कल मैं प्रश्न करूंगा, अगर जो मेरे को बोल देगा ना ये भागवत का क्या मतलब है, मैं उसको इनाम दूंगा, ठीक है। मैं कल सुनना चाहूंगा, बच्चे लोग जितने बड़े बूढ़े को तो याद नहीं रही, इसलिए जितने बच्चों को मैं प्रश्न करूंगा, ठीक है।
बोले भाती सर्वे सुलोकेशो, ये पहला आख्या है। बोले गा, बोले गियते नारदादि भी, बोले बा, बोले वरिष्ठ सर्व शास्त्रेशो, बोले ता, बोले तरणी च भवार्णव। कहिए चार अक्षर में ही पूरी भागवत समाया हुआ है। बोले भा मतलब क्या होता है? बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, इसका मतलब है ये जो श्रीमद् भागवत कथा, ये मत समझो केवल हम भारत भूमि में बैठ कर कथा सुन रहे हैं। कहते भागवत कथा की इतने महिमा, भा मतलब होता है प्रकाश। हमारा देश का नाम भारत है ना, भारत नाम क्यों है? भा मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश क्या है? भगवान का भक्ति प्रेम ही प्रकाश है। रत मतलब होता है जो भारत का लोग जो प्रकाश का तरफ में रहते रहते हैं। इसलिए बताओ भगवान कृष्ण राम कहां पर जन्म हुए? भारत में हुए। गीता भागवत रामायण महाभारत किसकी धर्म में इतना सारी ग्रंथ है? किस किस धर्म में एक एक ग्रंथ देखोगे? कहीं पुराण देखो, कहीं बाइबल देखोगे, और कोई ग्रंथ नहीं है। लेकिन देखो हमारी सनातन धर्म में देखो, चार ही वेद है, 108 उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, 8 पुराण है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, इतने। और हमारे संत लोग तो इतनी प्यारी प्यारी, इतने मीठी मीठी ग्रंथ लिखे जो तुम सोच नहीं सकते हो। इतने हमारी संप्रदाय में इतने ग्रंथ है। अब जितने भगवान हुए हैं सबके सब कहां पर जन्म हुए? बोले भारत में, और कहीं जन्म नहीं हुए, भारत से जन्म हुए हैं। और जितने गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी कहां पर है? अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अयोध्या कहां पर है? केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री कहां पर है? भारत में है ना, और कहीं नहीं, सब भारत में है। इसलिए यहाँ पर देखो ये जो लड़कियां हैं ना, कोई रशिया से आई, हमारे साथ में दो चार आए, कोई ब्राजील से आई, कोई रशिया से आई, कोई अमेरिका से आई। इसलिए इन लोगों ने सब छोड़ करके भारत में आए। ये लोग छोड़ करके भारत में क्यों आए? शांति पाने के लिए, शांति पाने के लिए ये लोग आए। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश जाए। अगर भैया पैसा से शांति होता है ना, फिर ये लोग विदेश छोड़ करके हमारे भारत में नहीं आते। वो नहीं आते शांति, केवल भगवान की भक्ति से, भक्ति में ही, और किसी चीज में शांति है नहीं है। इसलिए अगर शांति बनना तो क्या करना? भगवान की भक्ति करना। इसलिए इसका पहला अक्षर है भा। भा मतलब होता है प्रकाश है, जिसका प्रकाश संपूर्ण दुनिया में जिसकी प्रकाश है। इसलिए श्री उद्धव जी ये बात को खुद कहते हैं। बोले मेरे जो गुरु बृहस्पति ने हमें एक कथा सुनाए थे। बोले क्या कथा सुनाए थे? बोले जिस समय कृष्ण ने ये विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि की, सृष्टि को बाद में उन्होंने तीन देवता को जन्म दिया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा को बोले तुम्हारी काम है सृष्टि करो, शंकर जी को बोले तुम्हारी काम है संहार करो, विष्णु को बोले तुम्हारी काम है पालन करो। इतने में ब्रह्मा जी आए, बोले प्रभु जी आपका आदेश में तो सृष्टि कर सकता हूं, लेकिन ये सृष्टि का काम रजोगुण का काम है, बताओ ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? कृष्ण ने कहा हे ब्रह्मा जी, अगर ये श्रीमद् भागवत कथा को तुम सुनोगे, इसी के प्रभाव से ये दुनिया को सृष्टि भी कर सकते हो और रजोगुण से तुमको मुक्ति भी मिल सकती है। इतने में भगवान विष्णु आए, बोले ठाकुर जी आपका आशीर्वाद से ये दुनिया को तो मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूं? बोले आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। इसलिए स्वयं नारायण जब कथा सुनाते हैं, एक महीना तक ये भागवत कथा को बोल करके पूरी करते हैं। माँ लक्ष्मी स्वयं बैठ करके कथा सुनती है, लेकिन लक्ष्मी जब कथा सुनाती है, नारायण स्वयं बैठ कर कथा सुनते हैं। माँ लक्ष्मी कितने दिन में कथा को पूरी करती है? 2 महीना। कहते नारायण जितने सुंदर कथा सुनाते हैं, उससे सुंदर कथा कौन सुनाती है? कहते ये स्वयं लक्ष्मी सुनाती है। अभी भोले बाबा आए, बोले ठाकुर जी आपका आशीर्वाद से ये दुनिया को तो मैं प्रलय कर सकता हूँ, लेकिन एक अत्यंत की प्रलय है जो सबके दुनिया सबके ब्रह्म लोक तक तो जहां समाप्त हो जाती है।
आप बताओ ये जो प्रलय का काम, ये तमगुण का काम है, बोले ये तमगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले भी आप भी कथा सुनो और आप भी कथा सुनाओ। इसलिए शंकर जी जब कथा सुनाते हैं, ये शंकर जी कौन है? कदी ये वैष्णव नाम जथा संभो, भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा है। जब ये कथा सुनाते हैं ना, इतने सुंदर कथा और इतने व्याख्या करते हैं कथा को, इतने सुंदर, हम लोग तो 7 दिन में पूरी कर देंगे है? और 3-3 घंटा 3-3 घंटा किया। मैंने कहा 5 बजे आओगे, आप लोग 7 बजे। इसलिए कहते श्री शंकर जी जब कथा सुनाते दिन रात 24 घंटा मिला करके, इसी तरह से 1 साल में ये कथा को विश्राम देते, 1 साल तक कथा सुनाते। अब माता पार्वती बैठी करके कथा सुनती है, जब माता पार्वती कथा सुनाती हैं, शंकर जी कितना साल तक कथा सुनते? बोले 2 साल। क्योंकि जो पार्वती ये वैष्णवी, ये माता वैष्णवी, वैष्णवी मतलब क्या, जो भगवान विष्णु को आराधना करती है, इसलिए माता पार्वती 2 साल तक कथा सुनाती है। शंकर जी बैठ करके, आप लोग तो 7 दिन सुनोगे 2-2 घंटा रह जाए कथा, और शंकर जी दिन रात कथा सुनते हैं, कथा सुनते हैं दिन रात, और कितने दिन तक? बोले 2 साल में जाकर के ये कथा को विश्राम किसी तरह से हो पाती है। इसलिए देखो ये कथा की इतने महिमा है, ये जगत का सृष्टि भी ब्रह्मा जी कथा की महात्म से करते हैं, जगत का पालन भी स्वयं नारायण कथा की महात्म से करते हैं, और शंकर भी जगत का संहार ये कथा की महात्म से करते हैं। इसका मतलब है ये जगत में सृष्टि स्थिति और जो प्रलय है, ये भागवत की कथा की महिमा से ही होती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए इसका पहला अक्षर है भा। भा मतलब होता है प्रकाश, जिसका प्रकाश ब्रह्मलोक में भी है, जिसकी प्रकाश शिवलोक में भी है, और जिसकी प्रकाश कहाँ पर है? कहते विष्णु लोक में भी, वैकुंठ में भी जितना प्रकाश है। इसलिए इसका पहला अक्षर भा याद रहेगा। कौन कौन तो कल मेरे को कौन बोल पाएंगे? बोलो, कौन हाथ उठा तो कौन बोल पाए? ऐसे नहीं यहाँ पर आए और बैठे और कथा सुनकर चले, कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेकर भी जाना, ठीक है? इसका अक्षर भा है। द्वितीय अक्षर क्या? बोले ग। बोले ग मतलब क्या है? बोले गीयते नारदादि भी। कदी ये कथा को गान करने वाले कौन है, कथा को बोलने वाले कौन है? बोले नारद चतुसनादि, जिस कथा को गान करते हैं। इसलिए भागवत में ये धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा आती है, ये धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा आती है। इसलिए जब श्री नारद जी हैं, नारद जी सर्व लोक में उन्होंने भ्रमण किया, भ्रमण करते करते देखा कलियुग को किसी को भी नहीं छोड़ा, सब जगह पर घर घर में गए, वहां पर देखा कली, आश्रम पर गए वहां पर भी कली, किसी तीर्थ स्थान पर गए देखा वहां भी कली, कली किसी स्थान को नहीं छोड़ा, सब जगह में कली अपना अधिकार करके बैठा हुआ। उन्होंने सोचा भैया एक बार वृंदावन में जा करके देखता हूँ, क्योंकि वृंदावन धाम कृष्ण का धाम है, भक्ति नृत्य जत्र च, जहां पर भक्ति देवी नृत्य करती हैं। इसलिए बोलते हैं ना, मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम Thank you.
वृंदावन में यमुना किनारा निर्मल साफ़ की बहती है धारा वहीं पे करेंगे सिधान धीरा दिलाए थोड़ा धीरा दिलाएंगे सामा सामा डालेंगे रानी को मना लेंगे सामा को मना लेंगे राजे को रे चल रे वृंदावन राधे 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 वृंदावन में मां के बिहारी मां की बिहारी की महिमा है भारी बिहारी की महिमा है बिहारी की महिमा है भारी
बच्चा वृंदावन में जा करके देखते हैं, ये बच्चे जो पीछे खेल रहे ना, ये बच्चों कोई एक व्यक्ति हो, ये बच्चों को खेलने नहीं है, इनको बोलो बाहर जाकर खेले, इनको बच्चों को बोलो बाहर जाकर खेलेंगे, यहाँ नहीं खेलो। जिन जिन माताएं बच्चों को लेकर के आए हो, अपना बच्चों को पास में बैठाए करो, यहाँ खेलने मत दिया करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए श्री नारद जी जब वृंदावन में आए और श्री जमुना किनारा में पहुंचे, एक आश्चर्य घटना देखा। क्या देखा? देखा एक बड़ी सुंदरी, एक प्यारी, एक युवती बैठी हुई और उसको बगल में एकदम दो बूढ़े लेटे हुए और कुछ सखियां उनकी बड़ी सुंदर सेवा कर रही थी, चामर व्यंजन पंखा झुला रही थी। अभी जब इतने लोगों को नारद जी ने देखा, पास में गए, सोचा ये वृंदावन धाम से आज यहाँ पर कोई सत्संग होता होगा, लेकिन वहां पर जाकर देखा वहां पर तो रोना धोना है। उसको देख करके नारद जी भागे वहां से। इतने में वो जो बड़ी सुंदरी एक कन्या बैठी हुई थी, उसने कहा नारद जी बड़े भाग्य से कहीं सत्पुरुष का दर्शन मिलता है, मेरे अहोभाग्य है जीवन में नारद जैसे संतों का दर्शन तो मिला, लेकिन मेरे दुर्भाग्य पर वो भाग रहे हैं, थोड़ी सी तुम रुक जाओ। इतने में नारद जब रुके, बोले आप कौन हो? बोले आप क्या मेरे को भूल गए हो? बोले नहीं, लगता है तो कहीं देखा लेकिन याद नहीं आ रहा। बोले जो मेरी नाम है ये भक्ति है, ये जो दोनों बच्चे हैं ना, ये मेरे दो बच्चे हैं, ये जो बूढ़े मेरे दोनों बच्चे हैं। जगत का नियम होता है, माँ होती है वृद्धा और बच्चे होते हैं जवान, लेकिन देखो देखो तो सही, मेरे दुर्भाग्य को देखो, माँ तो युवती बनकर के बैठी हुई और बच्चे दोनों बूढ़े हो गए। बोले ऐसे कैसे हुआ है? बोले उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धि करना टकी गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम, बोले द्रविड़ देश में तो मेरे जन्म हुई है, लेकिन कर्नाटक में मैंने बड़ी हुई, लेकिन महाराष्ट्र में भी मेरे को आदर मिला। मतलब है भक्ति का जो जन्म है, हैं जो जन्म भक्ति भक्ति के जो हुई है द्रविड़ देश में हुई है, लेकिन क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी मैं जब गई वहां पर भी लोगों को देखा भजन करते हुए, किसी गले में कंठी देखा, तिलक लगाते हुए देखा, घर में ठाकुर जी को पूजा सेवा देखा है, हैं क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी भक्ति करते हुए देखी, लेकिन जब मैं गुजरात में गया ना, इतने नास्तिक लोग थे। अगर कोई चोटीधारी गले में कंठी पहनने वाले किसको देख लेना, किसको अगर कंठी पहनते हुए देख ले, बोले भैया तुमने इसे कौन सा पाप किया, गले में लकड़ी पहन ली। अगर तिलक लगाते हुए देख लिए, बोले भैया ये कौन सा, ये तिलक पिलक क्या है। अगर किसको चोटी देख लेना, चोटी काट दे। कोई अगर भक्ति करने वाले, भजन करने वाले कोई पहुंच जाए ना, जब तक उनको देश से खदर नहीं दे तब तक उनको चैन नहीं मिलती है। ऐसे नास्तिक देश श्री गुजरात देश था, बड़ा नास्तिक देश था, भजन भजन भक्ति भक्ति कोई नहीं करते थे, लेकिन अभी आप देखोगे ना सबसे ज्यादा समृद्धशाली, सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले कहाँ मिलेंगे तुम्हें पता है? ये गुजरात में मिलेंगे। सबसे ज्यादा पैसा वाले भी गुजरात में मिलेंगे। बोले कारण है क्या? बोले कारण है आप बताइए, मोदी कहाँ के हैं? गुजरात है ना मोदी, गुजरात में मोदी हुए ना, इसलिए आप देखो बड़े बड़े नेता लोग भी वहां से जन्म ले रहे हैं। और वहां पर घर घर में देखोगे तुलसी पूजा है, घर घर में ठाकुर जी की सेवा देखोगे वहां पर। अभी कार्तिक महीना में उनका परिक्रमा लगती है, हम लोग भी परिक्रमा लगाते हैं, कम से कम 10,000 लोग एक कटे परिक्रमा लगाते हैं, और बड़े बड़े धनाढ्य परिवार के अरब खरबपति घर के माताएं दिन में 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर चलती हैं, और साधारण पड़ाव पड़ती है, साधारण जगह में है शौचक्रिया करना, साधारण खाना, और खाली प्यार में पूरी की पूरी ब्रजमंडल परिक्रमा करती है। सबकी गले में कंठी, तिलक, घर घर में तुलसी माला देखो।
और उसी देश में देखोगे सबसे ज्यादा पैसा वाला। बोले क्यों? बोले जिस घर में ठाकुर जी की पूजा हो ना, जिस घर में कृष्ण की भक्ति पूजा हो, माँ लक्ष्मी की कृपा वही पर होती है। लक्ष्मी कौन है? ठाकुर का ठाकुर जी की पत्नी है ना लक्ष्मी। वो लक्ष्मी किसको पर कृपा करती है? जिसको घर में ठाकुर जी की नारायण की सेवा हो, लक्ष्मी तो वही पर कृपा करती है ना, लक्ष्मी तो वही पर आती है। इसलिए धनी लोग भी उधर देखे बड़े बड़े बिजनेस मैन है। बोले कारण है वहां पर बड़े बड़े संत लोग जन्म हुए। तुकाराम, बल्लभाचार्य, विठलनाथ है, नरसी भगत, ये सब बड़े बड़े ये संत लोग वहां पर जन्म हुए। जहां पर एक संत जन्म हो जाता है ना, उनका पूरा देश कल्याण हो जाता है। जितना दूर तक उनका दृष्टि पड़ती है, वो देश में कल्याण कल्याण हो जाता, मंगल मंगल हो जाता है। और यहाँ तक भी जहां पर एक शुद्ध संत को दाह संस्कार करते हैं, दाह संस्कार समझते हो, जहां पर उनको शरीर को जलाते हैं ना, वो स्थान भी कल्याण हो जाती है। देखो एक कथा सुनो। बल एक समय एक जंगल में कुछ भूत लोग रहते थे, और कोई एक भजन करने वाले संत वो जंगल में जब उनकी दाह संस्कार की गई, वो दाह संस्कार में जो धुआं निकली, वो धुआं जहां तक गई, वो जंगल में जितने भूत थे वो सब के सब उनकी उधार हो गया। लेकिन हठात किया हुआ अलग जगह पर गया था, लेकिन जब वापस आया देखा जितने सारे परिवार सब खत्म, कोई परिवार वहां है ही नहीं, क्योंकि सबके सब वो वैष्णव का दाह संस्कार का धुआं जहां तक गई के सारे भूत का मुक्ति मिल गई। उसने जब वापस आया देखा उसका परिवार में कोई है ही नहीं, सबके सब उधार हो गए। बोले भैया मेरे परिवार सबके सब कहां गए? पता लगा कोई साधु का शरीर को यही पर संस्कार की, उसको धुआं से ही सबके सब जगत उनका उधार हो गई। बोले भैया मैं तो अकेला रह गया, मेरी कैसे कल्याण होगी? वो जहां पर उनका दाह संस्कार किया था ना, वो भूत जहां करके वहीं पर लौट बोट खाने लग गया। वहीं पर लौट बोट खाने लग गया तो उसका शरीर का जो राख था उसको स्पर्श होते ही सबके सब भूत उधार होकर के भगवत धाम में चले गए। एक संत जन्म लेने का इतने महत्व है। बल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर जोर से जयकार लगाओ। बल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कहते जब मैं गुजरात में गई वहां तो एकदम बुढ़ी हो गई, लेकिन जब मैं वृंदावन में आई ना, क्योंकि जो वृंदावन धाम है ये राधा रानी का हृदय है। ये वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं। कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, और डाल डाल और पत पत में श्री राधे राधे होई। ये वृंदावन धाम साधारण भूमि नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष। कहते वहां पर जितने वृक्ष सब कल्प वृक्ष है, और वहां जो धाम है कहते वो चिंतामणि, चिंतामणि मतलब जो मांगो वही मिलेगी। कहते वहां का पानी कैसे मतलब अमृतम है, वह पानी सब अमृत है। जितने गैया सबके सब काम धेनु, जब वहां पर कोई चलते है ना लगता है जैसे बड़े सुंदर नृत्य कर रहा है। जब आपस आपस में कोई बात करते हैं ऐसे लगता है बड़ा सुंदर जैसे कोई भजन गा रहा है, बड़ा प्यारा भजन गाते हैं। ऐसे श्री वृंदावन धाम। कहते वृंदावन धाम आते ही मैं तो बन गई जवानी, लेकिन मेरे जो दो बच्चे थे ना ये सबके सब बूढ़े हो गए, ये ज्ञान वैराग्य हो गए बूढ़े। बोले बूढ़े क्यों हो गए? बोले वृंदावन रस भूमि है, वृंदावन प्रेम भूमि है, वहां पर ये ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाले नहीं, इसलिए ये दोनों हो गए बूढ़े हो गए। लेकिन ये भक्ति के ये दो बेटे हैं, भक्ति के कितने बेटे हैं, कौन कौन है? ज्ञान और वैराग्य। इसका मतलब क्या है? कहते अगर तुमको भक्ति करना, ये दो चीज तुम्हारे अंदर में होनी चाहिए। बोले किस चीज की ज्ञान होनी चाहिए? बोले भक्ति युक्त ज्ञान होनी चाहिए। जैसे अभी कथा सुन रहे हैं ये भी तो ज्ञान है, लेकिन एक ज्ञान होता है जो लोग ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं। कहते हमें वह ज्ञान नहीं चाहिए, हमें भक्ति युक्त ज्ञान चाहिए हमें। और एक है वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या? बोले ठाकुर जी के चरण में विशेष पूर्वक अनुराग हो,
ठाकुर जी के चरण में हमारी प्रेम धीरे धीरे बढ़े, ये वैराग्य होनी चाहिए। कहते दोनों जो बेटे मेरे बूढ़े हो गए, नारद जी ने कहा भैया कोई चिंता मत करो, तुम्हारी बच्चों को अभी हम जवानी दिला देता हूँ। भक्ति रवि ने कहा देखो अगर मेरे दोनों बच्चों को जवानी बना दिया ना, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ तेरी हृदय छोड़ करके और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी हृदय में ही निवास करूंगा। इतने में नारद जी दोनों को कानों में वेद, उपनिषद, पुराण, ब्रह्म सूत्र एक एक करके उनको कानों में सुनाया, लेकिन उनको कुछ भी चेतनता नहीं है। लेकिन जब उनको कानों में ये गीता सुनाया ना, क्योंकि जो गीता है ये कृष्ण की मुख निश्चित वाणी ये गीता है, लेकिन जब उनको कानों में गीता सुनाए थोड़ी सी तो इनको चेतनता आई, लेकिन जब गीता समाप्त हो गया ना, फिर दोनों धड़ाम करके वही पर गिरी। नारद तो व्याकुल हो गए, अभी क्या किया जाए। उनने सबको जा जा करके प्रश्न किया लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन जब वो गए चतुसन को साथ में मिले, बोले चिंता मत करो, इनको ये श्रीमद भागवत कथा सुनाए, ये भागवत कथा से ही इनको पूर्ण ज्ञान होएगा। बोले कथा कहाँ सुनाए, बोले कथा श्री हरिद्वार में इनको कथा सुनाओ। जब सबको पता चला ये कथा हरिद्वार में गंगा किनारा में कथा होने वाले, कौन कौन कथा सुनने के लिए आए, आप लोग कितना दूर से आए हो कथा सुनने के लिए, कोई एक माइल, कोई दो माइल, कोई तीन माइल, कोई चार माइल, अभी हमारे बागपत से भी कुछ भक्त लोग आए हैं, इसलिए कितना माइल यहाँ से, कितना माइल होगा बागपत यहाँ से, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन जब ये कथा चतुसन हरिद्वार में कथा करेंगे, लेकिन कहां से लोग सुनने के लिए आए, मतलब ब्रह्म लोग से भी कथा सुनने के लिए आए, मिलियन कोटि कोटि किलोमीटर दूर से कथा सुनने के लिए आए, ब्रह्म लोग से, चन्न लोग से, तप लोग से, स्वर्ग लोग से भी कथा सुनने के लिए दौड़ दौड़ कर कथा सुनने के लिए आए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले कथा है तो वेदे भावना बिहाए, कथा है तुझे भावना बिहाए, कथा है तुझे भावना बिहाए, कथा है तुझे भावना बिहाए, सोनी भक्त सा ब्रह्मलोक छोड़ करके कथा सुनने के लिए आते हैं। अभी जितने ऋषि मुनि लोग थे सब के सब वहां पर कथा सुनने के लिए सब के सब आप आए। देखो ध्यान देकर सुनो, जैसे आप लोग कथा सुनने के लिए आए, आपको लगता होगा कि बोला हम ही कथा सुनने के लिए बैठे, बोले नहीं, कहते एक संत कथा सुना रहे थे, कहीं कथा हो रही थी भागवत कथा हो रही थी, उन्होंने कथा सुनने के लिए आए, जब कथा सुनने के लिए आए वो पैंडल का बाहर खड़े होकर के देखा, जितने बड़े बड़े इंद्र चंद्र देवता ऋषि मुनि वहां पर एकदम भरे पड़े हुए, बैठने का वहां एक स्थान नहीं जहां पर बैठे हैं। इसका मतलब जहां पर कथा होना, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता लोग भी उनको जहां स्थान मिल जाए वहीं पर बैठ करके हाथ जोड़ करके गदगद होकर के कथा को रस को पान करते हैं। जब सबके सब कथा सुनने के लिए आए, वहां पर श्री भक्ति देवी भी अपना दोनों बच्चों को लेकर कथा सुनने के लिए आए, बोले भैया हमें भी कहीं तो स्थान दे दो, हमें भी तो कोई स्थान दे दो। बोले आपका स्थान है
यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, इनके हृदय में ही आपका स्थान है। इतने में भक्ति देवी जो कथा सुन रहे थे उनके हृदय में बैठ गए। इसका मतलब है कि ये भक्ति देवी कौन है? बोले श्री राधा रानी। जो व्यक्ति कथा सुनने के लिए बैठे हैं, राधा रानी उनके हृदय में बैठ जाते हैं। जब राधा रानी किसके हृदय में बैठ जाए ना, वास को तो आनंदमय है। राधा रानी प्रेम स्वरूपिणी, भक्ति स्वरूपिणी, आनंद स्वरूपिणी। अगर किसके हृदय में बैठ जाए फिर क्या होगा? उनको आनंद आनंद ही मिलेगा। इसलिए आप लोग जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, आपका हृदय में किसकी निवास हो गई? किसकी निवास हो गई? जोर से बोलो, हाँ, राधा रानी की निवास हो गई। और सब लोग आनंद में भर गए और सब के सब जय ध्वनि। और जिस समय कथा सुनाने के लिए चतुष्ण बैठे, उसी समय में स्वर्ग में देवता लोग भी प्रसन्न हो गए और स्वर्ग लोग से पारिजात पुष्पों की बौछार की, दुंदुभी बजाए और शंख बजाए और भागवत कथा की जयकार देते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य है, अगर कहीं ये भागवत कथा हो ना, देवता लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। भैया भागवत कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है। इसलिए जिस समय चतुष्ण ने ये भागवत कथा श्रवण कराया, ये भागवत कथा श्रवण कर जब विश्राम हो गई, अंतिम में गोलोक वृंदावन में श्री बांके बिहारी राधा जी को साथ में प्रकट हो गए। वहां पर श्री उद्धव जी प्रकट हुए, श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, वहां पर श्री अर्जुन नारद सब के सब प्रकट हुए। अब प्रकट होकर के कोई पखवाज बजा रहा था, कोई मजीरा बजा रहे थे, नारद जी वीणा बजा रहे थे और सुखदेव गोस्वामी तो भाव विभोर होकर के जैसे जैसे भजन हो रही थी ना, उसके अनुरूप श्री सुखदेव गोस्वामी नृत्य कर रहे थे और सबके सब कीर्तन कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय Yeah.
का प्रभाव से, ये कीर्तन के इतने प्रभाव, कहते भागवत कथा के इतने प्रभाव, इसका फल क्या हुआ? साक्षात गोलोक वृंदावन श्री जुगल सरकार प्रकट हो गए। मतलब भागवत का जो फल है साक्षात राधा कृष्ण का दर्शन ही कदि भागवत का असली फल है। लेकिन ये कथा जो लोग श्रवण कर रहे थे और जितने लोग बैठे हुए थे ना, सभी के लिए एक एक रथ आया। यहाँ तक भी जो इंसान बैठे हुए थे सभी के लिए आए। यहाँ तक जो पशु पक्षी वहां पर बैठे थे ना, वो सभी के लिए एक एक रथ आया और सबके सब रथ में बैठे और बैठ करके सबके सब श्री ठाकुर जी को साथ में पास में चले गए। अभी इसको देख करके नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुई। नारद जी ने प्रश्न किया, अगर कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ हो उसकी उद्धार होगी कि नहीं? बोले भैया, कथा के प्रभाव से जब भगवत भक्ति और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई, अगर कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ होगा उसका मुक्ति नहीं होगी, जरूर मुक्ति होगी। उन्होंने गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा सुनाए। बोले एक समय एक अच्छे ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। हैं, आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण निवास कर रहे थे। लेकिन पति का नाम था आत्मदेव, लेकिन जो पत्नी है ना वो धुंधली। धुंधली मतलब क्या? अज्ञान, अंधकार है। लेकिन ना इसी जगत में भी कभी कभी ऐसे होता है। क्या होता है? पति तो बड़े भक्ति करने वाले, भजन करने वाले, लेकिन कभी कभी पत्नी इतनी उल्टी चलती है, इतनी उल्टी चलती है। पति अगर बोले चलो मंदिर में, बोले नहीं चलो सिनेमा में ले चलो, हमारे लिए साड़ी खरीद कराने के लिए मॉल ले चलो। हैं, पति अगर बोले धाम में चलना, बोले धाम हर समय। इसलिए उसका नाम थी धुंधुली। इसलिए लेकिन कभी कभी इसी जगत में जो पत्नी होती है आत्मवती, लेकिन जो पति होता ना ये होता है क्यों नहीं, अज्ञानी, ये धुंधुकारी का जन्म होता है। मतलब पत्नी तो कभी कभी भक्ति करने वाले होती है, लेकिन जो पति है ना वो कभी कभी इतने उल्टा है, हर चीज में उसका रुचि, लेकिन भक्ति भक्ति से उसका कोई रुचि नहीं, कोई रुचि नहीं। लेकिन वे लोग बड़े सौभाग्यवान है जिसका पति भी आत्मदेव हो और पत्नी भी आत्मवती हो। अगर किसी घर में पति पत्नी अगर दोनों भजन कर रहे थे ना, भक्ति मनो ठाकुर कहते हैं यदि न गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाए। उस कह रहे हैं जिस घर में ठाकुर का सेवा पूजा भक्ति हो, बच्चे भी भगवान की भक्ति करते हैं, वो घर नहीं, वही घर ही भगवान का धाम है, वही घर ही गोलोक वृंदावन है, जिस घर में भगवान की भक्ति हो। लेकिन जिस घर में प्रभु की भक्ति नहीं हो ना, फिर बच्चे क्या करेंगे? शराब पीना शुरू कर देंगे, मांस खाना शुरू कर देंगे, अंडा खाना शुरू कर देंगे, फिर वो घर क्या होगा? शमशान। वो घर क्या हो जाएगा? शमशान भूमि बन जाती है। शमशान कहते हैं किसको? जहां पर मुर्दा जलता है, जहां पर मुर्दा जलता है उसको शमशान कहते हैं ना। अगर घर में मुर्दा, अगर घर में मांस आकर के पकना शुरू हो जाए, घर में लोग अंडा खाना शुरू करते, पकाना शुरू करते, फिर वो घर क्या हो गया बता? शमशान हो जाता है। इसलिए कहते भैया घर को शमशान नहीं बनाना, घर को क्या बनाना? भगवान की धाम बनाना, भगवान की धाम बनाओ। धाम बनेगा कैसे? लेकिन जिस घर में प्रभु का नाम कीर्तन भजन पूजा पाठ हो वही घर ही गोलोक वृंदावन। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए पहले मैंने बताया ना, एक समय हमारे गुरुजी के पास में किसी ने आया, बोले गुरुजी गुरुजी बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, ये घर घर में ये प्रॉब्लम है। कहते बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। देखो गुरुजी ने क्या बताया, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? बोले बच्चों को रामायण पढ़ाते हो? बोले नहीं। बोले जो खुद रामायण पढ़ेगा नहीं और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा उसका यही दुर्गति है, यही दुर्गति है। क्यों? अगर रामायण में क्या लिखा हुआ है? प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमय माता। ठाकुर सवेरे उठकर क्या करते थे? पिता माता के पहले चरण छूते थे। इसलिए शास्त्र में बताया जो व्यक्ति सवेरे उठ करके अपना पिता माता के चरण छुएगा तो उसको चार चीज लाभ हो। कितना चीज लाभ होगी? बल, ऐश्वर्य, श्री और जस।
इसी घर में चार चीजें आई जो सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुएगा और बच्चे बड़े बुद्धिमान होंगे। इसलिए रामायण में देखे होंगे जब श्री दशरथ महाराज शयन करते हैं, भगवान स्वयं राम पिताजी की चरण की सेवा करते हैं और पितृ आदेश पालन करने के लिए भगवान राम ने क्या किया, 14 साल के लिए वनवास गए। ठाकुर किसके लिए, अपना माता नहीं सौतली माता, वो कई कई के आदेश पालन करने के लिए। अगर आप लोग अपना बच्चे को बोलो बेटा 14 साल का राम ने गया तो 14 दिन के लिए कहीं चला जा, वो 14 दिन के लिए मनमर जी तो घूमने जा सकता है लेकिन तुम्हारी आदेश पालन करने के लिए 1 दिन भी नहीं जाएगा बच्चा। बोले कारण क्या, गुरु जी कहते थे कारण यही है हम स्वयं रामायण पढ़ते नहीं और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते, स्मार्टफोन पकड़ाएंगे जरूर। बोले स्मार्टफोन बचपन से माताएं बचपन से बोले स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं, लो ये इसको लेकर के उसको खेलते रहो, मतलब बचपन से ही उसका आदत हम बिगाड़ते हैं, बचपन से ही आदत बिगाड़ते उसको है। इसलिए क्या करनी चाहिए, पहले स्वयं रामायण पढ़ो, स्वयं गीता पढ़ो और स्वयं रामायण पढ़ो। बच्चों को भी बोलो भाई बेटा तू भी रामायण पढ़ो और घर में ये नियम रखो। हमारे गुरु जी कहते थे पहले बचपन से सबसे पहला संस्कार माता जी से पड़ता है, पिताजी का संस्कार बाद में पड़ता है। क्यों, बच्चा दिन भर माता जी के पास में रहता है, इसलिए गुरु जी कहते थे रोज उसको बोलो थोड़ी सी रामायण पढ़े नहीं तो गीता का एक श्लोक पढ़े और स्कूल जाने से पहले उसको बोलो एक माला जप करके जाए। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे बोले बच्चा बात नहीं सुनता, आप बोलो कि बच्चा बात, बोले उसको भैया जोर जबरदस्ती इसको स्कूल भेजते कि नहीं, जोर जबरदस्ती सोया हुआ होगा देखना बच्चे को जोर जबरदस्ती उठा करके हम उसको हैं उसको खिला पिला करके स्कूल भेजते हैं। भैया जब उसको जोर जबरदस्ती तुम स्कूल भेज सकते हो क्या 5 मिनट इसको नहीं बोल सकते हो, एक माला जप करके जाओ। अब देखना जो बच्चा माला जप करके स्कूल जाएगा ना वो क्लास में फर्स्ट आएगा, क्योंकि उसमें जो कृष्णा ये जो शब्द है क्री मतलब क्या है, क्री मतलब होता है ये चंचल मन को जो भटक नहीं दे, ये चंचल मन को क्री मतलब होता है आकर्षण करना, ये चंचल मन को जो भटकने नहीं दे, स्ना मतलब आनंद देना, राम मतलब हरे मतलब होता है दुख कष्ट को जो हर ले, दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए उसमें 3 इनाम है, इसलिए ये 3 फल देगा ये। इसलिए क्या करना है, पहला गुरु कौन, पिता माता। अगर खुद अगर हम हरिनाम करेंगे सबसे पहले पिता माता का संस्कार, खुद अगर तुम हरिनाम करोगे फिर बच्चे को बोल सकते हो हरिनाम करो, और खुद अगर दिन भर स्मार्ट फोन लेकर के बैठे हो, दिन भर टीवी खोल कर बैठे हो, बच्चों को बोले कि टीवी मत देखो, स्मार्ट फोन व्यवहार मत करो, बच्चे सुनेगा तुम्हारी बात, वो सुनेगा नहीं। लेकिन अगर बचपन में तुम अगर माला जप करोगे ना, आप देखना छोटे छोटे बच्चों का स्वभाव, माँ जो करती है ना उन तरीका, अगर माँ माला लेकर बैठी है देखना बच्चा देखेगा माँ क्या कर रही है, है? माँ क्या कर रही है, फिर वो भी माला लेकर बोले मेरे को दे, ठीक है ना। इसलिए बच्चों को घर में नियम रखो स्कूल जाने से पहले बोले एक माला जप करके स्कूल जाओ नहीं तेरे को भोजन नहीं मिलेगा, उसको जोर जबरदस्ती उसको भजन में जरूर लगाया करो, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए पति का नाम आत्मदेव, पत्नी का नाम धुंधुली, और अगर ऐसे होना बेटा कौन हुआ धुंधुकारी, घर में सारे सुख, घर में सारे सुख लेकिन एक सुख नहीं घर में संतान है, इसलिए बड़ा दुखी है, है? बड़ा दुखी है। लेकिन वो व्यक्ति बड़ा कंजूसी था, कंजूसी मतलब एक पैसा कहीं चले नहीं जाए, है? एक पैसा कहीं खर्चा नहीं हो जाए, केवल उसको जमा करना, उसको केवल है उसके ऊपर डिपॉजिट करना, निरानंद के चक्कर में पड़ा हुआ था। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, ये जो पैसा है ना इसका नाम लक्ष्मी है, क्या नाम है, लक्ष्मी। लक्ष्मी किसकी है, नारायण की।
अगर ये लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में नहीं लगेगी ना, कहते भैया जितने पैसा तुम्हारे घर में क्यों नहीं हो, क्यों वो लक्ष्मी नारायण की है, वो जब नारायण की सेवा में नहीं लगेगा केवल पैसा कमाओ अपना भोग भोग के लिए, लक्ष्मी तो हम भोग कर नहीं सकते, वो लक्ष्मी तो ठाकुर जी की है, इसलिए घर घर सुख शांति नहीं देगा मेरे घर में, भले ही अरब खरब पैसा तुम्हारे घर में आएगी, कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बीमारी दे देगी, नहीं तो मामला मुकदमा लगा देगी, नहीं तो भाई भाई में लड़ाई झगड़ा लगा देगी, फिर घर में अशांत अशांत फैला देती है। लेकिन ये तो बड़े पैसा वाला था, लेकिन केवल पैसा केवल उसको इकट्ठा करना इकट्ठा करना करता था, इसलिए घर में कोई संतान ही नहीं होने का नाते एक दिन इतना दुखी हो गया। क्यों? कोई फल भी लाए वो सड़ जाए, पेड़ भी लगाए फल नहीं हो, देवता लोग भी हैं पितृपुरुषों को कोई वस्तु दे उनको लगता है जैसे कोई गर्मी चीज दे रहा है, इतना दुखी हो गया, सोचा एक दिन मैं प्राण त्याग करूंगा। जब उसने प्राण त्याग करने के लिए जंगल में गया, जब ठाकुर जी किसको पर कृपा करते हैं ना, संत रूप में नहीं तो ब्राह्मण रूप में कृपा करते हैं, मानस स्वयं ठाकुर जी एक संत रूप में आए समझाने के लिए, बोले भैया क्या बात है क्यों रो रहे हो, बोले घर में संतान नहीं, बोले चित्रकेतु महाराज का नाम सुने, बोले हाँ, बोले बताओ तो कितने पत्नी थी, बोले एक करोड़, कितना थी एक करोड़ पत्नी थी, क्योंकि संतान नहीं था, सोचा संतान हो हैं, एक करोड़ शादी कर ली संतान नहीं, बोले सगर महाराज का नाम सुने, बोले हाँ, बोले कितने बच्चे थे, बोले 10,000, कितने बच्चे थे, बोले शांति मिली है, नहीं मिली, बोले बेटा अगर ठाकुर को इच्छा में इच्छा मिला दो, ठाकुर संतान की अच्छी बात नहीं दिए उनको इच्छा में इच्छा मिला दो, देखो तब भी ये सब चीज दोष लगता है जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते। अगर घर में संतान नहीं, ठाकुर को ले लो, गोपाल जी को ले लो, गोपाल जी की सेवा करो, ऐसे बच्चा कभी मिलेगा। देखो एक सही घटना है, वृंदावन में कोई एक माता जी थी, वो जिंदगी भर गोपाल जी की सेवा की, जिंदगी भर उसने सेवा की, लेकिन जब वृद्धा हो गई, कृष्ण स्वयं अभी वो चल नहीं पा रही है, मार्केटिंग नहीं कर पा रही, रसोई नहीं बना रही, ठाकुर जी स्वयं गोपाल की सेवा करते थे। हमारे संत लोग कहते हैं जो व्यक्ति जिंदगी भर ठाकुर को सेवा पूजा करेगा ना, जब वो वृद्ध हो जाएगा उनको सेवा कौन करेगा, ठाकुर जी को करना पड़ता है, कर जिंदगी भर उसने मेरी सेवा की उसको सेवा मुझे करना पड़ेगा, ठाकुर स्वयं करते थे। इसलिए उन्होंने समझा है, देखो तुम ठाकुर जी को अपना बच्चा बना दो, भगवान की भक्ति करो, उसमें शांति सुख, भले संतों का जीवन सुखा जीवन, बीवी नहीं बच्चे नहीं, दिन भर क्या माला लेकर के हरे कृष्ण करते रहते, उसको जीवन है, हमें तो हरा भरा जीवन चाहिए, जहाँ पर घर में बच्चों का किलकारी मारते हुए हो, पत्नी बड़ी मीठी मीठी बात करे, हमें तो हरा भरा संसार चाहिए। बोले जब तक इसको थप्पड़ नहीं बनेगा ना ये समझेगा नहीं, बोले तो मैं देख रहा हूँ तेरे 7 जन्म तो कोई बच्चे बनने वाले नहीं, बोले हे भगवान एक जीवन में संतान नहीं तो इतना कष्ट, ये कहते 7 जन्म तक बच्चा नहीं होगा, हाँ 7 जन्म तक, बोले जब ये आप ललाट को देख करके बता सकते हो, कहते ना जो ना करे लकड़ी, कहते सो करे फकरी, फकरी मतलब होता है संत है, कि तुम्हारी भाग्य में जो चीज नहीं, अगर सचमुच से कोई संत की कृपा हो जाए, क्योंकि संतों की बात को ठाकुर कभी झूठा नहीं करते हैं, भगवान कभी कभी अपना प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, लेकिन भक्तों का प्रतिज्ञा को ठाकुर जी जरूर रक्षा करते हैं, हैं? बोले भैया आप तो जरूर दे सकते हो, उनके चरण में गिर पड़े तो इतने में उन्होंने पेड़ से के फल को लिया और उनने मंत्र पढ़ करके दे दिया, बोले दे ये पत्नी को खिलाना। अब बोलना पेट में जब बच्चा हो ना उसी समय गीता पढ़े, रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, भगवान की कथा सुने, सुंदर सुंदर ठाकुर का तस्वीर देखो, और उसी समय उल्टा पुल्टा चीज नहीं देखनी चाहिए, इसलिए जिसको कहते गर्भ संस्कार है। लेकिन जब उसने पत्नी को दिया है, जब उसने पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी का नाम ही धुंधली है, धुंधली मतलब होता है अज्ञान अंधकार है, वो कहां संतों की आशीर्वाद को कहां धारण करेगी, है संतों की आशीर्वाद को कहां ग्रहण करेगी। ब्राह्मण तो बड़ा खुश हुआ, पत्नी ने सोचा पुरुषों को क्या पता है गर्भ में बच्चा होने पर क्या कष्ट होता है, 9 महीना तक गर्भ में धारण करो,
फिर गर्भ में रहते हुए कष्ट, फिर प्रसव पीड़ा, फिर बच्चों को लालन पालन करना। मैंने सुना सुखदेव गोस्वामी क्या 16 साल तक गर्भ में थे। अगर बच्चा अगर पेट में 16 साल तक रह गया तो फिर क्या होगा? ये पुरुष लोगों को क्या पता है। इतने में उसको सहेली आया तो कहते कहते तू चिंता क्यों करते हो, तेरे घर में ज्यादा पैसा है ना। मेरे घर में पैसा नहीं, मेरे पति को कुछ पैसा दे दे और ये फल को परीक्षा करने के लिए गैया को खिला दे और पेट में कपड़ा बांध करके झूठ मूठ का बहाना बनाकर सोते रहे, क्योंकि पति तो बाहर रहता है काम धाम करता है, उसको क्या पता चलेगा। और मेरे बच्चे होने पर राता रात तेरे को मैं अपना बच्चा दे दूंगा। उसने ठीक उसने वैसे ही किया। लेकिन जो गैया कभी भी संतान नहीं देता था, लेकिन संतों को दिया हुआ फल कभी झूठा नहीं होता है। वो अपूर्व सुंदर उसने एक बच्चा जन्म दिया, सारा शरीर तो राजकुमार जैसे लेकिन कान केवल गैया जैसे कान। सारा दुनिया देखने के लिए आए, जब भगवान देते नहीं जब देते हैं छपर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं, छपर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं। सारा दुनिया देखने के लिए आए, लेकिन बच्चों का जब नाम कर्म संस्कार की गई ना, देखो नियम होता है ऐसे नहीं बच्चों का नाम टुल्लू बुल्लू रिंकी झिंकी है उल्टा पुल्टा जो मन में आए। कभी विदेश में कुत्तों का नाम है ऐसे नहीं बच्चों का नाम कुत्तों का नाम दिला दो, नहीं। नियम है जिस समय में उसने जन्म लिया ब्राह्मण को बुलाओ, जन्म नक्षत्र देखो, एक अक्षर निकालो, अक्षर को पहले रख करके कोई भगवान नहीं तो उनका भक्तों का नाम रखो। जे मुंह से जितना बार कम से कम नाम निकले ठाकुर जी का नाम निकले। जो बच्चा बारंबार ठाकुर का नाम सुनेगा उसका भी कल्याण, जिस घर में ठाकुर का नाम लिया जाएगा घर का भी कल्याण, और जो उसकी मुंह से ठाकुर का नाम निकलेगा उसको भी जो सुनेगा सबका कल्याण कल्याण है। इसलिए हम आगे सुनेंगे अजामिल ने कैसे सबसे छोटा बेटा का नाम नारायण रख लिया। उन्होंने जमदूत को देख करके डरते हुए बेटा का नाम नारायण लिया, इसी से उद्धार हो गया। इसलिए पहले लोग क्या करते थे, ये सब टुल्लू बुल्लू रिंकी झिंकी ये सब नाम नहीं रखते थे। बड़े बुढ़ों का नाम पूछो सब कृष्ण गोविंद नारायण, सब ठाकुर जी का नाम, सब ठाकुर जी की नाम है। इसलिए नामकरण संस्कार में उन्होंने क्या किया, उसने जोर जबरदस्ती बोले मेरा नाम धुंधुली, मेरा बेटा का नाम होगा धुंधुकारी। हैं धुंधुकारी मतलब क्या होता है, बोले धूम धूम करती थी धुंधुकारी, जो जीवन को जो मचला दे, जीवन को जो दुखी दुखी कर दे। और दूसरा बेटा का नाम क्या रखे, गोकर्ण। लेकिन गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधुकार महाकर, संतों का कृपा है वो तो पंडित ज्ञानी बना, लेकिन इसने क्या बना महाखल, बड़ा दुष्ट बना। किसी बच्चे को कुएं को पास में खेलते हुए देखे ना, धक्का मार कर कुएं में फेंक देता है, किसी घर में आग लगा देता है, हैं? और कुत्तों को साथ में दिन भर रहेगा, उसको साथ में भोजन करता है। शाम होते ही 10-15 शिकायतें, तेरा बेटा ने ऐसे किया, तेरा बेटा ने ऐसे किया, तेरा बेटा ने ऐसे किया। देखो ध्यान देकर सुनो, बेटा होने पर नहीं होने पर एक दुख है, बेटा नहीं होने पर एक दुख है, लेकिन बेटा वो करेगा अगर बात नहीं सुनता है ना, कितना दुख है, डबल दुख है, डबल दुख है। हाँ बेटा अगर जन्म लेकर के बात नहीं सुनता है डबल, पर जिंदगी भर तुमको जलाते रहेगा, जिंदगी भर तेरे को दुख देगा। इसलिए क्या करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो, भगवान की नाम जप करो। अभी संतों की बात याद आया, संत जब समझा रहे थे बेटा भगवान की भक्ति से ही सुखी रहोगे, भगवान का नाम भगवान को ही अपना बेटा बनाओ। संत की बात नहीं सुना ना, लेकिन जब देखा बेटा इतने बदनामी, उसका नाम इतना था गांव में उसका नाम, लेकिन उसने इतने बदनामी उसकी हो गया, सब जगह घर घर में बदनामी। अभी उसको होश आया, संत सही कह रहा था, संत सही कह रहा था। संतान से सुखी नहीं सुखी बनोगे, भगवान की भक्ति से ही सुखी बनोगे। अभी उसको याद आया, उसने कभी कभी बेटा बोलता था पैसा निकालो, कहां पैसा कितने छुपा कर रखे, शराब पीऊंगा जुआ खेलूंगा। पिता तो दुखी दुखी होकर के
अपना बेटा गोकर्ण को पास में गया, बेटा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया, इतने सुंदर, बोले पिताजी ये जगत में कोई सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पिताजी, न सुखम चक्रवर्ती न, पिताजी न सुखम इंद्र, स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं, पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं पिताजी, इसलिए पिताजी केवल एक व्यक्ति जगत में सुखी है, मुन्ने है एकांत जीवन, जब भगवान की भक्ति प्रेम करते हैं केवल जगत में वही सुखी पिताजी, जगत में नचंद्र सुख सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्ती न, पिताजी जगत में कोई सुखी नहीं, अगर सुख पाना चाहते तो भगवान की भक्ति करो, ये माया ममता संसार की जो बंधन है, माया ममता को बंधन छोड़ो, संतों की शरण में जाओ, भागवत कथा सुना, दशम स्कंध की कथा सुना, और ये जो मान प्रेम उसको भगवान के चरण में लगा तो जीवन में सुखी मिलेगा, पास पिता तो घर छोड़कर चले गए, घर में मैया अकेली रह गई, रोज मैया को पिटाई करे निकाले, पैसा पिताजी कहाँ रख करेंगे बताओ, कहाँ पर घर में, कहाँ पर घर में गार कर गए, मैया को रोज मारे, एक दिन मैया दुखी होकर के कुएं में उसने आत्महत्या कर दी, कुएं में आत्महत्या की, इतने में बेटा अकेला रह गया, छह छह बेसिया को बुलाया है, कोई बोले साड़ी दे, कोई बोले लिपस्टिक ला दो, कोई बोले अलंकार ला दो, है अभी अभी देखो हमारे पास में भी छह वेश्या है, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा काम क्रोध लोभ, हमारे पास में भी छह वेश्या है, आंख इधर खींचता है, कान उधर खींचता है, स्पर्श इधर खींचती है, हैं स्पर्श इधर खींचती है, अभी छह वेश्या बोले हमें ये दो ये दो, एक दिन राज दरबार में डाकू डाला तो हैं बहुत सारे पैसा को लूट पाट करके लाए, अभी वेश्या ने सोचा सवेरे होते ही सीआई के लग जाएंगे, अगर ये पकड़ा गया ना सबके सब जेल में जाएंगे, अभी उन लोगों ने राता रात उसने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके दो 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 वेश्या गले में फांस लगाए और चार दो हाथ दो पैर को पकड़े हैं, और एक ने किया कि जलते हुए अंगार को ला करके मुंह में ठोस ठोस करके बड़ी बुरी तरह उसको मारे और घर में गाड़ करके चली गई, लोग पूछे पति कहाँ, बोले पैसा कमाने के लिए विदेश गया है, पैसा कमाने के लिए वो विदेश गया है, है? इतने में वो बन गया प्रेत बन गया, एक दिन गोकर्ण घर में आया, देखा ये तो घर में प्रेत बन करके बैठा हुआ, कभी बाघ बन करके कभी घोड़ा बन करके कभी बिल्ली बन करके डरा रहा है, बोले भैया तेरे नाम पर मैंने पिंड दिया है, गया मैं पिंड दी है तेरे नाम पर, तेरे को मुक्ति नहीं मिली, बोले भैया हमने इतने पाप किया, मेरे नाम पर अगर 100 बार भी पिंड दोगे मेरे को मुक्ति नहीं मिलने वाली, फिर उन्होंने सूर्य देवता को प्रश्न की मुक्ति कैसे मिलेगी, बोले मुक्ति मिलेगी केवल ये भागवत कथा से ही मुक्ति मिलेगी, फिर उन्होंने सबको बुलाया, बुला करके सात गांठ की बांस काट दी, पहला दिन कथा में एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दो तीसरे दिन तीसरे, 7 दिन में 7 गांठ फट गई, और बड़ा सुंदर वैकुंठ में जैसे भगवान के भक्त होते हैं चार हाथ को लेते हुए बड़ा सुंदर रूप में प्रकटित हुए, और वैकुंठ से रथ आया, रथ में बैठ करके जब जा रहा था, कहां जा रहा था, वैकुंठ जा रहा था, इतने में गोकर्ण ने प्रश्न किया, बोले आप ये बताओ यहाँ पर तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन रथ तो सभी के लिए आनी चाहिए था ना, लेकिन आप एक रथ क्यों लाए हो, बोले देखो देखने के लिए तो ये सब के सब बैठे हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने कोई कथा नहीं सुनी, बोले कैसे बता रहे हो, ये सब के सब बैठे तो हुए हैं, बोले बैठने पर थोड़ी हो जाएगा, कथा तो सुननी चाहिए ना, बोले फिर इनके अंदर में कमी क्या चीज है, ये चीज को ध्यान देकर सुनो, कहते कमी क्या चीज है, बोले पहला कमी है, बोले विश्वास गुरु वाक्य सो, कहते पहला कमी है गुरु जी की वाक्य में, शास्त्र जी की वाक्य में तुम्हारे विश्वास होना चाहिए, लेकिन आश्चर्य बात है देखना, लेकिन कोई अगर टीवी में कोई सीरियल आता है ना, वो झूठ मूठ का एक रूपक बना करके कोई टीवी में सीरियल दे देगा ना, देखना उसमें 3 घंटा बैठ बैठ कर देखेंगे, उसको तो देख लेंगे 3 घंटा तक, लेकिन भगवान की कथा में, भागवत कथा में हमारा विश्वास नहीं होता, जो हमारे वेद जो पुराण गीता
भगवान जो वाक्यों को बोले वो चीज में हमारी विश्वास नहीं, विश्वास है ये हीरो हीरोइन के ऊपर में हमारा विश्वास है, इनको प्रति हमारा विश्वास हो जाती है, लेकिन इस शास्त्र ग्रंथ में हमारी विश्वास नहीं होता है। बोले पहला जो नियम है विश्वास, ये सबसे बड़ी चीज है विश्वास। देखना एक बच्चा पढ़ाई करता है 25 साल तक, जो सीए करे इंजीनियरिंग करे 25 साल तक पढ़ता है, बोले क्यों भाई जरूर एक नौकरी मिलेगी, लेकिन भले ही बाद में नौकरी मिली नहीं लेकिन 25 साल तक वो पेपर आ जाए ना 15 घंटा, कल जैसे पेपर हो आज रात भर पढ़ेगा और पूरा के पूरा दिमाग में पुस्तकों को लेकर के लग जाएगा, लेकिन ये चीज में तो विश्वास है लोगों का, लेकिन भगवान की भक्ति में भजन में लोगों का विश्वास नहीं। इसलिए पहला बताए पहले भैया विश्वास तुम्हारी हो, विश्वास कैसे होनी चाहिए। हाँ ध्यान देकर सुनो, बोले एक समय एक स्टोरी सुन लो, हर साल तो सुनाता हूँ। एक समय एक कोई शिष्य था, वो नदी पार होकर के गुरु जी के आश्रम पर सेवा करने आता था और फिर नदी पार करके चला जाता था। एक दिन हो गया राधा जन्माष्टमी, जन्माष्टमी में कृष्ण रात 12 बजे जन्म लेते हैं। अभी कृष्ण 12 बजे जन्म हुए, अभिषेक हुई, प्रसाद होते होते हो गया एक। उसने कहा गुरु जी मैं घर में जा रहा। बोले बेटा रात को क्यों घर में जाओगे, सो जा फिर कल जाना। बोले गुरु जी जब मैं घर में जाऊंगा फिर दिन भर आपको याद करूंगा, गुरु जी के आश्रम में जाना, आश्रम में जाना, अगर आपको पास में रहूंगा फिर मैं अपना बीवी बच्चों को याद करूंगा। अभी बताओ क्या सही है, घर में जाकर के आपका स्मरण करना सही न आपको पास में रह करके बीवी बच्चों को याद करना सही। बोले बात तो तू सही बता रहे हो। बोले ठीक है बेटा तू चला जा। बोले गुरु जी जाऊंगे इसे बीच में नदी आती है तो पार कैसे होऊंगा। बोले तेरे को मैं एक मंत्र लिख करके देता हूँ, ये मंत्र को अच्छे तरह से पकड़ना, फिर पानी के ऊपर तो चलते 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 पार हो जाओगे। सचमुच से जो पार हो रहा था, बोले भैया गुरु जी क्या लिख करके पेपर में दिए हैं, जो पानी के ऊपर में चलते चलते जा रहा हूँ करीब करीब पानी हो गया, थोड़ी दूर बाकी था। उसको बड़ा कुतूहल हुआ कि मंत्र में क्या लिखा हुआ इसमें कागज में। जब वो कागज को खोल करके देखा ना उसमें क्या लिखा हुआ था, बोले हरे कृष्णा जोर जोर के बोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। जब उसने ये मंत्र को पढ़ा बोले इतनी सी बात हरे कृष्णा हाँ केवल इतनी लिखा हुआ। देखो अभी तक तो विश्वास था, वो पानी के ऊपर चल चल कर जा रहा था, जब उसको विश्वास खत्म हो गया केवल हरे कृष्णा बात डूब गया। देखो हमारे भी ऐसे होता है, गुरु जी ने माला दिए, गुरु जी ने हमें माला दिया है, जानते हो ये माला कौन है, ये माला नहीं ये स्वयं भगवान कृष्ण है। इसलिए कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए भागवत को चिंतामणि बताया, चिंतामणि मतलब क्या, जो मांगोगे वही मिलेगा, चिंतामणि मतलब जो मांगोगे तुम्हें वही चीज मिलेगी। इसलिए इसी नाम के प्रभाव से ही ये दुनिया चल रहा है। हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता, तभी जगत में बंदर होते हुए भी पूजा हो रही है। शंकर जी दिन भर क्या करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जयी जपत महेशा, पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। माता देवी क्या करती है, देखना आठ हाथों में एक हाथ में ये माला है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सहस नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जय संग प्रिय भवानी। शंकर जी इसलिए पार्वती को इतना प्रेम करते हैं कि वो दिन भर प्रभु का नाम जप करता है। ब्रह्मा जी को चार हाथ में देखना एक हाथ में माला है, सरस्वती की चार हाथ देखना एक हाथ में माला है। ये विश्व ब्रह्मांड में ऐसे कोई देवता नहीं जो ये ठाकुर जी के नाम नहीं जप करते हैं। इसलिए कि भजन गाते हैं ना, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई भी दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई भी दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, कृष्ण नाम की
माला जपेगा कोई दिलवाला 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 कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला श्री कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला माला जपी थी यशोदा माने माला जपी थी यशोदा माने गया मुरली माला जपेगा कोई दिलवाला ओ मिल गया मुरली माला जपेगा कोई दिलवाला माला जपी थी गौरा माने जपी थी गौरा माने अरे गया डमरू माला जपेगा कोई दिलवाला ओ मिल गया डमरू माला जपेगा कोई दिलवाला जपेगा कोई दिलवाला जपेगा कोई दिलवाला जपेगा कोई दिलवाला जपेगा कोई जब कर सकती हैं बोले दिल वाले कौन जब कर सकते हैं जिसका कमजोर दिल है ना वो नहीं कर सकता है ये तिलक कंठी कौन पहन सकता है वो दिल वाले हैं नहीं तो बोले भैया इकलौती ये कंठी क्या पहन के तिलक क्या लगा दिया हैं बोले तुम तो बाबा तो नहीं बन गए तुम तो साधु नहीं बनेंगे लगता कि तो साधु भैया साधु नहीं बन के क्या चोर बनेंगे बनेंगे तो साधु तो बनेंगे ना थोड़ी चोर बनेंगे इसलिए भगवान के नाम कहते जो दिल वाले वही ही ठाकुर जी की नाम जप कर सकते हैं इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जब गुरुदेव ये माला देते हैं ना वो माला नहीं देते ठाकुर को देते हैं वो भगवान दिए हैं अगर एक दिन अगर ये माला नहीं जप किया तो उसका मतलब क्या उसी दिन ठाकुर जी पूरे भूखे रह गए ठाकुर जी स्नान नहीं किए ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदल आए क्यों ठाकुर जी कलयुग में ये नाम रूप में ही ठाकुर आए इसलिए खुद एक दिन भूखे रह जाओ लेकिन ये माला को कभी भूखा नहीं रखनी चाहिए ये माला कभी भूखा नहीं रखनी चाहिए खुद एक दिन भूखे रह जाओ लेकिन माला कभी भूखा मत रखो इसलिए तब उन्होंने पहले पहला नंबर विश्वास गुरु वाक्य सुस्मृति नित्य भावना दूसरा गुण है कथा कैसे सुननी चाहिए अभिमानी नहीं होकर के आप लोगों ने हनुमान का नाम सुने हो कौन कौन हनुमान का नाम जानते हो आप देखना हनुमान की कथा कैसे सुनते हैं सबसे पीछे बैठते हैं हाथ जोड़ करके आंसुओं को बहाते हुए और उनका रोमावल गदगद होते हुए जब हनुमान कथा सुनते हैं ना बड़े ध्यान से एकदम प्रेम से गदगद होकर कथा सुनते हैं हनुमान जी कौन है बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्य ज्ञानियों में हनुमान जैसे जगत में इतने बड़े ज्ञानी कहीं कोई नहीं हो सकते वो और कोई नहीं वो भोले बाबा है शंकर जी लेकिन कथा कैसे सुननी चाहिए हनुमान से सीखनी चाहिए कैसे अज्ञानी बनकर के ज्ञानी बनकर के नहीं अरे हम सब जानते हैं क्या सुनेंगे गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा जोई सुनत अधाई रस विशेष जानत कि नाही जो कोई बोले अरे कथा सुनते सुनते हम बोर हो गए कितना कथा सुनी सुनाई कथा को गोस्वामी जी कहते भैया उसको जो ऐसे बोलता है ना इसको ये समझो रस क्या चीज उसको पता ही नहीं रस क्या चीज उसको पता ही नहीं कहते जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम अगर हजार जगह पर अगर प्रभु की कथा होगा ना राम कथा हनुमान जी लाख करोड़ रूप लेकर के वहां पर जाते हैं और हाथ जोड़ करके गदगद होकर के आंसुओं को बहाते हुए कथा सुनते हैं इसलिए कथा सुनने का दूसरा लक्षण है
तीन हीन होकर कथा सुना। इसलिए विश्वास स्वस्मृति दिनत्व भावनम मान दोष जय ऐसा कथायाम निश्चला मति। कथा कैसे सुननी चाहिए? ऐसे नहीं यहाँ पर घर में बैठे हो लेकिन मन यानी मन तुम्हारे घर में है। बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे खाने खाए कि नहीं है? कहते नहीं। कथा सुनते समय क्या करो? अपना मन को लगा करके। और एक बात सुनो, हमारे गुरु जी कहते थे जब कथा सुनने की जिसको इच्छा है ना, आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा करो। आप जिसको जानते हो ना उसको पास में मत बैठा करो, नहीं तो दुनिया की बात करोगे, कथा नहीं सुनोगे। यहाँ भी आकर के घर छोड़ करके यहाँ आए और यहाँ आकर के दुनिया की बात करोगे। इसलिए जिसको जानते हो कल से जो जिसको जानता है ना उससे थोड़ी सी अलग होकर बैठिएगा, ठीक है ना? अलग होकर बैठकर कथा सुना। अगर ऐसे अगर एक मन से कोई कथा सुने फिर तो उसके लिए जरूर उसको भगवत भक्ति, भगवत प्रेम और भगवत धाम की प्राप्ति होगी। जब उन्होंने ये बात को सुनाई विष्णु दूतों ने, गोकर्ण ने कहा सुन लिया, हम सात सात दिन तक कथा सुने लेकिन कथा की फल नहीं मिले, कल फिर मैं दो बार तुमको कथा सुनाऊंगा। कथा से पहले आना, कथा से पहले आना और हृदय गदगद कैसे आकर कैसे नहीं कथा में और बैठी गई। देखो कथा सुनने का नियम है कथा से पहले आओ और जहाँ कथा हो रही है सबसे पहले वो कथा स्थली को प्रणाम करो, क्योंकि जहाँ पर कथा होती है बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रा, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर निवास करते हैं जहाँ पर ठाकुर जी की कथा हो रही है। ये सुखदेव सुतो गोस्वामी कहते हैं पृथ्वी में कितना तीर्थ आपको पता है? कहते छह अरब। कितना तीर्थ है? छह अरब। कितना होता है? एक करोड़। सौ करोड़ में एक अरब, ऐसे छह अरब तीर्थ पृथ्वी में। लेकिन कहते जो व्यक्ति कथा रूपी गंगा में स्नान करते हैं वो छह अरब तीर्थ में स्नान करते हैं। बैठ बैठ कर छह अरब तीर्थ में स्नान कर लिया तुमने। और ये कथा को क्या बताया? ये कथा नहीं, ये कल्प वृक्ष है। क्या है? कल्प वृक्ष। मतलब क्या? जो मांगोगे, जो मांगोगे, कभी ये सांसारिक वस्तु तो अपने आप मिल जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जिनके संतान नहीं उनको संतान देती है, जो दुखी उन्हें सुख प्रदान करता है, जो निर्धन उसे धन देता है, जो रोगी उसको निरोग प्रदान करती है। लेकिन ये सब चीज मिलती नहीं, क्यों? हम जैसे कथा सुननी चाहिए ना हम कथा नहीं सुनते। कथा सुनने का पहला नियम किया बोले बिना खाए पिए सात दिन तक कथा सुनो, बिना खाए पिए सात दिन तक कथा सुनो। बोले भैया ऐसे तो हम कथा नहीं सुन सकते हैं, पेट में भूख हो तो भूखे ना भजन हरि गोपाल। बोले ऐसे नहीं तो सात दिन तक घी पी पी करके कथा सुना। बोले घी पिएगा तो पेट पतला हो जाएगा तब भी नहीं बैठ पाएंगे। बोले ऐसे नहीं हो तो फलाहार करके कथा सुना। बोले हाँ ये बात सही है लेकिन तब भी कठिन है। बोले सबसे जो बढ़िया बताया, एक बार फलाहार करो और एक बार भोजन करो, एक बार बढ़िया से भोजन कर लो और एक बार फलाहार करो, ये सबसे बेस्ट बताया। और यहाँ तक तो बोल दिया, अगर इसी में भी अगर कष्ट हो बोले भैया जितना बार हो भोजन करो कोई बात नहीं, लेकिन कथा सुना। लेकिन सबसे बढ़िया नियम बताया, सबसे बढ़िया नियम एक बार भोजन और एक बार फलाहार। अब सही सही और ब्रह्मचर्य पालन करते हुए साधारण बिस्तर में सो, कभी किसकी बुराई निंदा चुगली मत किया करो, हैं? अपना इंद्रियों को संयम करो। अब नियम से सुनो, मैंने बहुत जगह पर देखा है, बहुत जगह पर देखा है जिन लोगों ने ऐसे कथा सुनी है ना, वो जो मांगे उनको जो उन्होंने इच्छा की सब इच्छा भागवत पूरी कर दी। ये भागवत स्वयं कहते हैं ये कथा नहीं, ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो कि यहाँ पर सात सात दिन तक कथा सुनेंगे। हाँ कहते भागवत, भाग्य हो गया प्रकाश, ग मतलब जिसको नारद आदि सनक सनातन आदि जिसको गाते हैं, बोले ब मतलब बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्र सु, जितने शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र की भागवत है। कल सुनेंगे श्री व्यास देव जी ने जब उन्होंने सारे ग्रंथ को रचना की शांति नहीं मिली, शांति कब मिली? जब उन्होंने ये भागवत कथा सुनी। बोले सर्व वेद इतिहास नाम सार सार समुद्रितम, सार वेद उपनिषद का जो सार जो निचोड़ है ये श्रीमद भागवत है। तत् रसामृत तृप्तस्य, अगर भागवत कथा रूपी रसामृत को कोई पान कर लेना
और किसी चीज उनको सुनने का पीने का जरूरत नहीं है। बोले ता मतलब बोले तरणी जमवा। अगर ये कथा रूपी गंगा में कोई बैठ जाए, गोता लगाओ, कथा रूपी तरणी मतलब नाव में बैठ जाओ ना, बस आंख बंद करते हुए कथा जब विश्राम होगी देखोगे आप ठाकुर जी की चरण में पहुंच गए, ठाकुर जी की चरण में पहुंच गए हो, इतने महिमा। इसलिए सुना है ना गोकर्ण ने बोले 100 बार पिंड दिया तभी उद्धार नहीं हुई, लेकिन इतने बड़े पापी को उद्धार हुई तो कैसे उद्धार हुई, केवल भागवत कथा से, केवल भागवत कथा और कुछ नहीं। इसलिए हम लोग 7 दिन तक कथा सुनेंगे, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। इसलिए हम लोग कल एक एक भक्त 10-10 भक्तों को लेकर जाना, मैंने सवेरे बताया था सचमुच से आप लोग लेकर के आए हो, हम तभी इतना भक्त लोग हो गए। इसलिए और अभी हमारे श्री हमारे वत्सवदन प्रभु आपको जन्माष्टमी में आपको भागवत कथा सुनाए थे, प्रभु जी आपको अभी थोड़ी सी आपको कथा सुनाएंगे, भागवत के ऊपर में थोड़ी सी आपको कथा सुनाएंगे। एक भजन की ना मतलब एक भजन आ कुछ एक भजन हाँ आ जाएगा आप शुरू कर दो। श्रीकांत प्रभु जी भोगी श्रीमती बिहारी लाल की जय। मेरे टूटे हुए दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। ईमान लिया कि मैं तो नहीं हूं तेरे काबिल, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तुझे आना We'll be right back.
श्रीनगर श्रीनगर मिल गई है। कमल की फली गिर गई है। श्रीनगर श्रीनगर मिल गई है। तुमसे किया तुमसे मिला तेरी